दोस्तों, अभी हम मैनेजमेंट ब्लॉक से भी बाहर आए थे, तो उसके बाद हमें हमारे मार्केटिंग के सर रोहित सर मिले हैं। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप हाँ ठीक है। बढ़िया सर, बढ़िया। तो और स्टडी सर वगैरह कैसे चल रही है? सब ठीक, ओके सर, आपको पता ही है बद्दी यूनिवर्सिटी में तो स्टडी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। अभी मैं भी डीन सर से मिल के आ रहा हूँ, ओके गुड। मैनेजमेंट के डीन सर से। तो आप भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए यूनिवर्सिटी के बारे में। आप तो अच्छी तरह बता सकते हैं हमारे से, बिकॉज आप मार्केटिंग के उस्ताद हैं। ठीक है, जी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो दोस्तों सर हम ग्राउंड की तरफ चलते हैं, श्योर तो श्योर इनको श्योर, ग्राउंड प्लीज भी प्लीज दिखा प्लीज देंगे। प्लीज। जी सर, बताइए। तो जैसे ही अभी आपने मेरे को बताया कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डॉक्टर अनुकांत प्रनौली जी से मिल के आए, जी सर, तो आई होप उन्होंने आपको काफ़ी सारे व्हिफ दी होगी हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखो, जो बद्दी यूनिवर्सिटी है यार, जो बद्दी यूनिवर्सिटी है वो एशिया के लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब के बीच में है, वो जी आपको एक जेन्युइन पता है। ठीक है, जहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल एक हब है। जी ठीक है, जहाँ पे बच्चे को एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली सीखने और पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि एक जेन्युइन सी बात है। ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश की बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और एशिया के लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब और इसमें इंडस्ट्री के बीच में है, जी तो जेन्युइन सी बात है। इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात तो है ही नहीं, वो तो बंदा एक जेन्युइन सी बात समझ सकता है कि जो हमारे पास जो बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, वो थ्योरी कहाँ पढ़ता है? वो थ्योरी पढ़ता है यूनिवर्सिटी में। तो सर थोड़ा ठीक मैंने है, एड्रेस भी नहीं बताया, प्रॉपर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेरे व्यूअर्स को बता दो कि कहाँ पे पड़ती है, क्या पूरा एड्रेस ठीक है। है, जो हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है ये हार्डली बद्दी बस स्टैंड से नालागढ़ वाले रोड पे 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। जी ठीक है, इसके प्रॉपर जो लोकेशन है वो है मखनू माजरा, जो भुड बैरियल के साथ में ही है। ठीक है, जैसे ही हम अपने बद्दी बस स्टैंड से नालागढ़ की तरफ आएंगे तो हमारी राइट साइड को बड़ा बड़ा बोर्ड दिख जाएगा आपको रोड हेड पे। ठीक है, उसमें डायरेक्शन दी हुई है बद्दी यूनिवर्सिटी, और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही बद्दी इंटरनेशनल स्कूल भी है। ठीक है, तो जो अब मेन बात हम जैसे हम आपको बता रहे थे लास्ट टाइम कि जो हमारी जो बद्दी यूनिवर्सिटी है वो एशिया के लार्जेस्ट में है, और जी ठीक है, जो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल की जो बात है, तो ये हमारे पास जो बच्चा कोई भी है, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है कि हमारे पास बच्चा जैसे इंजीनियरिंग में है। ठीक है, मैं कोर्सेज बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, बट फिर भी एक होता है कि जो बच्चा हमारे पास थ्योरी पढ़ रहा है वो प्रैक्टिकल करता है, तो इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ बताता हूँ। जी ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ेगा क्लास में, जी ठीक है, और प्रैक्टिकली सीखेगा कंपनीज में जाके। कंपनीज में ठीक है, तो हमारे पास स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी, जी ठीक है जी, आप उनको तो जानते ही जी होंगे। जी सर, उनको ठीक सर है, कौन नहीं जानता हाँ, है। तो वो हमारे लिए एक प्राउड फील है कि जी, इंस्पिरेशन है सर हाँ, हमारे एक सभी पॉइंट स्टूडेंट्स पॉइंट पॉइंट वगैरह, सभी हार्ड हाँ, वर्कर्स के लिए। तो इसमें ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। जब वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे ना एकेडमिक अडॉप्शन एक चलाई हुई थी स्कीम। ठीक है, एक आगे हमारे पास आइडिया फैक्ट्री, जो हमारे पास ओनली बद्दी यूनिवर्सिटी में ही है, अर्न वैल्यू लर्न स्कीम। ठीक है, अब ये अर्न वैल्यू लर्न स्कीम मैं आपको बताऊँ, ये ओनली आपको बद्दी यूनिवर्सिटी में ही मिलेगी। इसमें क्या है कि जो जैसे कोई बच्चा है हमारे पास BTech करने के लिए आ रहा है, अब BTech में कोई बच्चा हमारे पास कर रहा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, उन बच्चों को स्टाइपेंड मिल जाता है 3rd सेमेस्टर से ही। ठीक है, इसमें क्या है सर, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलता है हमारा। ठीक है, सभी कोर्सेज में चलता हूँ मैं, आपको एक दो कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। जी ठीक है, तो जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में क्या है कि इसमें 3rd सेमेस्टर में कंपनी आएगी। ठीक है, तो कंपनी का आपका छोटा सा इंटरव्यू लेगी। ठीक है, बच्चों का इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, इंटरव्यू की तैयारी हमारा डायरेक्टर ऑफ TPO ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट करवाता है। ठीक है, जिसमें मैं आपकी बोला कि TPO ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, तो ट्रेनिंग में आपकी प्रॉपर PDP की क्लासेस रखते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी स्किल प्रॉपर डेवलप होगी। जैसे लाइक आप रख लो, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है जी तो सर, स्ट्रॉन्ग करनी है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल बैठने वगैरह का अच्छी तरीका, चलती है सर बात हमारी। करने का तरीका। ठीक है, आप तो खुद हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जी आपको सर, तो आपको जी पता है कि आपकी PDP क्लासेस लगती हैं। यस सर, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी चलती हैं। उसका मेन मोटिव हमारा यही रहता है कि बच्चे कल इंटरव्यू कंपनी आएंगी, उनसे इंटरव्यू लेंगी, जब बच्चे को अपनी इंट्रोडक्शन देने तक नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, बच्चा एक ब्रांड यूनिवर्सिटी बद्दी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ठीक है, 22 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, यस नेचुरली सर, सी बात है। तो एक ब्रांड यूनिवर्सिटी होने के कारण अगर कोई बच्चा हमारे पास है, जेनुअन सी बात सोचो कि इंटरव्यू देने के लिए कंपनी आए, लेने के लिए आए, जो बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पाए प्रॉपर वे यस में, सर, तो फिर वो तो वही बात हो जाती है कि बच्चा पढ़ कर रहा है। तो इसलिए हम वो PDP क्लासेस लगाते हैं ताकि बच्चे की प्रॉपर एक स्किल डेवलप हो, प्रॉपर बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छी हो, बैठने का तरीका, बात करने का यस सर, तरीका, ये सारी कि चीज़ें हो यहाँ जाए। बच्चे को अच्छे से इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे अच्छी तरह प्रिपेयर किया जाता हाँ हाँ है। सर हाँ के कहने का बिल्कुल यही मतलब है कि आपको यहाँ पे पूरी तरह से 100% आपको ट्रेनिंग दी ट्रेनिंग जाएगी। दी जाती है। अब वो बात आ गई BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपको यस बता सर, रहा था, उस पर आ जाते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली, अब क्या हुआ इसका
स्किल डेवलप करा दी हमने प्रॉपर, पीडीबी क्लासेस लगी। थर्ड सेमेस्टर में वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है बेसिक नॉलेज ही रहता है आपका फर्स्ट ईयर में, आपसे जो भी पढ़ना होता है बीटेक में, जो आपने प्लस वन प्लस टू में पढ़ा होता है तो वही आपका प्रॉपर बेसिक वो करवाते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में सोचो आप क्या पूछ लेंगे, तो उसमें क्या होगा इंटरव्यू लेंगे, छोटा सा इंटरव्यू की तरह वो करवा दी, ठीक है आपने इंटरव्यू क्रैक किया, उसमें क्या होगा 15 दिन अपने थ्योरी पढ़नी है क्लास में और 15 दिन प्रैक्टिकल करने चले जाना है कंपनी में। और 15 दिन का देखो आप ये प्लस पॉइंट, 15 दिन का ही प्रैक्टिकल करने का ही आपको कंपनी दे रही है 12,000 रुपये सैलरी। सो गाइस दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन बद्दी यूनिवर्सिटी, आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है सेम हमारे पास बीटेक सीएससी में या अदर कोर्सेज में भी ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोग्राम्स हैं। अब जैसे आईडिया फैक्ट्री की बात ले लो, आईडिया फैक्ट्री में ये भी अब्दुल कलाम रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम जी ने ये हमारे पास लॉन्च की थी कि जैसे हमारे पास कोई बच्चा किसी कोर्स में कुछ भी कर रहा है, ठीक है तो अब वो पढ़ रहा है तो आइडिया तो आ जाता है, जेन्युइन सी बात है, पढ़ रहा है तो हो सकता है। जैसे बीटेक सीएससी की बात ले लो आपकी या अदर किसी कोर्सेज की बात ले लो, सब पढ़ना तो बच्चे के हाथ, पढ़ना के हाँ आप तो 100% दे रहे हैं। अब वो वही है कि उसके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, हम सर ये चीज नहीं बना सकते, हम तो सर क्लोन ऐप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे बीटेक सीएससी की बात ले लो आप। तो सर ये ऐसे मैंने आपसे एक बात पूछनी थी जी, तो मैंने डीएन सर से भी बात की थी स्पोर्ट्स के बारे में, यहाँ कई बच्चों का ये होता है यूनिवर्सिटी में जाके सपने होते हैं, जैसे हमने भी देखे थे फर्स्ट टाइम बिल्कुल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, स्पोर्ट्स होगा, कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह होगी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो यहाँ पे मैंने देखे क्योंकि क्रिकेट्स के भी कई स्टूडेंट के टूर्नामेंट्स वगैरह वगैरह होते हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सी कि पूरी बद्दी में ना, बद्दी यूनिवर्सिटी में ही आपको एक क्रिकेट एकेडमी मिलेगी जी, ठीक है जिसमें क्योंकि अनदर पूरी यूनिवर्सिटी में पूरे बद्दी में आपको कहीं पे भी ऐसे ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा ही नहीं, ठीक है तो ये भी एक प्लस पॉइंट। सर बता रहे ग्राउंड के बारे में, नमन जो सर आपको दिखाएंगे पूरा ग्राउंड, ये देखिए जो सर ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि ऐसा ग्राउंड आपको पूरे बद्दी में नहीं मिलेगा देखने को, मैं तो सोचता हूँ कहीं और पे भी नहीं मिलेगा, तो एक हमारा एक प्लस पॉइंट है इसमें। क्या है अब देखो एक प्लस पॉइंट होने का बात है, क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट है सारे कंपनीज के यहीं पे होते होंगे, जेन्युइन सी बात है, तो हमारा तो आप खुद देख सकते हैं, अभी आपको मैं सामने आप देख रहे हो तो आपको देखो सामने कंपनीज दिख जाएगी, ठीक है हम बैठे ही कंपनीज में, हम एक हब में बैठे हैं तो हमारा एक प्लस पॉइंट है, ठीक है तो हमारे साथ कंपनियों के साथ एक अच्छे बॉन्ड है, एक अच्छे रिलेशन है, ठीक है तो प्लेसमेंट की बात तो आप छोड़ दो, प्लेसमेंट हमारी A1 110% बोल सकता हूँ मैं कि प्लेसमेंट हमारी 110% है, बस यही है कि जो बच्चे को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली हम करवाते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है वो बच्चा अच्छे से करे, मैं आपको 110% श्योर बोल सकता हूँ कि उस बच्चे का एक ब्राइट फ्यूचर होगा, एक बेस्ट फ्यूचर होगा। आप साथ के साथ स्टडी भी कर रहे हैं और 15 दिन आप स्टडी कर रहे हैं, 15 दिन आपको पैसे कमा ले, अब देखो 3.5 साल एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा, 3.5 साल का जॉब एक्सपीरियंस अलग से हो गया जी, ठीक है जी बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3.5 साल का जॉब एक्सपीरियंस, जॉब की जॉब, पैसे का पैसा, ठीक है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, नॉलेज की नॉलेज। अब सिंपल सा एग्जांपल है यार, हम घर पे चाय बनाते हैं, ठीक है अब हमें कोई बोल दे कि जाओ ये ऐसे ऐसे चाय बनेगी, ठीक है मतलब कोई हमें सिंपल भाषा में ब्रीफ कर रहा है कि ऐसे ऐसे चाय बना लो, तो क्या हम चाय बना पाएंगे? नो, नहीं बना पाएंगे। अब आपने खुद बनाते भी होंगे, आपने खुद देखा होगा वो चीज़, क्योंकि आपके जो मम्मी हैं या घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं या आपके सिस्टर कोई भी है, आपने सबसे पहले उनको चाय बनाते हुए अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है अगर आपको ब्रीफ ही कर दिया और प्रैक्टिकली अपने अपने आंखों से देखा तो मैं 110% बोल सकता हूँ कि आप एकदम से चाय बनाना सीख जाओगे। सर वन प्लस पॉइंट मैंने खुद अब्जॉर्व किया है, ये मतलब खुद फील किया है बद्दी यूनिवर्सिटी के बारे में जी, कि यहाँ के जो टीचर्स वगैरह मैंने मतलब 2 साल से मैं अभी आपको पता हाँ, है बिल्कुल यूनिवर्सिटी में बीसीए कर रहा हूँ, थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट हुआ है गाइस, बिल्कुल एंड यहाँ के टीचर्स का जो बिहेवियर है स्टूडेंट के साथ बहुत ही अच्छी तरह फ्रेंडली रहते हैं सब कुछ, आपके साथ में बात करूं आप बहुत अच्छा मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए आपको थैंक यू करता हूं। हमारा हमारा यही है, देखो हमारा इसका एक प्लस पॉइंट है जी कि ये जो हमारे स्टूडेंट के साथ अच्छे रिलेशन, एक फ्रेंकली फ्रेंडली जो व्यवहार है उसका मेन रीज़न यही है, हमारे रिस्पेक्टेड ओनर सर का भी कहना है यही रहता है कि बच्चों के साथ हम अगर हम फ्रेंडली फ्रेंकली रहते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम का कुछ बच्चा ऐसा होता है जो डरता है कि मैं प्रोफेसर से ये क्वेश्चन पुट अप करूं, जैसे क्लासेस की बात ले लो, यस सर एक जेन्युइन सी बात आ जाती है कि जैसे कोई प्रोफेसर पूछ लेते हैं कि बेटा समझ में आया नहीं आया, ठीक है तो बच्चे डरते हैं, ठीक है अगर हम बच्चों के साथ फ्रेंकली फ्रेंडली होंगे, ठीक है वो रिस्पेक्ट तो अलग जगह है अपनी जगह, वो तो बच्चों को भी समझना चाहिए, ठीक है अगर हम फ्रेंडली फ्रेंकली लिमिट तक रहेंगे तो बच्चा बिना झिझक किए प्रोफेसर से पूछ सकता है कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दें, ठीक है तो ये हमारा फ्रेंकली फ्रेंडली रहने का बच्चों के साथ का ये एक प्लस पॉइंट है। तो
सर हम आपसे एक बात पूछेंगे जो मेरे व्यूअर्स भी मेरे को कमेंट वगैरह करते हैं फर्स्ट वीडियो पे जी कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ कोर्स आपको कौन कौन से किस अच्छे अच्छे बेस पे मिलेंगे, तो थोड़ा मेरे व्यूअर्स को आप जरूर बताएं। हमारे पास देखो बेटा, जैसे आपको भी पता है, मैं आपके फ्रेंड्स को भी बता देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास बीटेक है। जी बीटेक में जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक यस है, सर तो आपको लोगों को पता होता है क्या कैसे क्या, बट हमारे पास मेन जो आ जाता है एडिशन में आ जाता है कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन जैसे AI हो गया, ML हो गया, ठीक है, जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, जी सर आपका कोल्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, जी ये हमारे पास प्लस एडिशन में है, मतलब हमारे पास विद स्पेशलाइजेशन है, बीटेक CSE वगैरह, ठीक है, जी तो इसमें आ जाते हैं। तो सेकंड आ जाता है हमारे पास आपके जैसे BCA हो गया, BBA हो गया, आपका MBA हो गया, जी सर MBA में जैसे HR हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, फिर आपका MBA इन फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक जी सर है, फिर आपका जो बद्दी यूनिवर्सिटी है, बद्दी यूनिवर्सिटी को एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो बद्दी यूनिवर्सिटी को मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, आप वो प्लीज़ अपने वीडियो में शेयर करें, जी सर जरूर तो बद्दी यूनिवर्सिटी को नॉर्थ इंडिया का बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी मिला हुआ है, ओके सर ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये भी आप अपने दोस्तों को तक बताएं ताकि ये चीज़ दूर दूर तक जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, ठीक है, तो फार्मेसी हमारे PCI अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव तो है ही यूनिवर्सिटी, ये तो चीज़ें हॉस्टल बताने की जरूरत तो नहीं, अप्रूवल हॉस्टल वगैरह, वगैरह सब यहाँ पे सब अवेलेबल हॉस्टल है ना। फैसिलिटी A1 है। देखो हमारे जो हॉस्टल है बॉयज़ का, बॉयज़ का हॉस्टल हमारा फर्स्ट ईयर जो हॉस्टल है वो अलग है, वो आपको ऊपर जो दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर एक साथ में स्टाफ वाला हॉस्टल है और साथ ही में आपका फर्स्ट ईयर हॉस्टल है बॉयज़, बॉयज़ ओनली, ठीक है, ओनली गाइज ये सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर वालों के लिए है फर्स्ट ईयर बॉयज़, बॉयज बॉयज़ आपको सामने आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड साइड को, ये हमारा बॉयज़ का फर्स्ट ईयर हॉस्टल है, साथ में स्टाफ का हॉस्टल है, ठीक है, उसके बाद जो आपका बॉयज़ का सीनियर हॉस्टल मिलेगा वो हमारा सेपरेट है, वो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लिप में दिखाया था वहाँ पे वो बॉयज ठीक का है, हाँ बिल्कुल, तो उसमें क्या है ऐसे कोई रैगिंग रूगिंग वाला तो वो चक्कर ही हमारा टोटली अलग है, वो टाइम भी चला गया वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कईयों के मन में होता है कि बॉय हॉस्टल में रैगिंग वो चीज़, तो हमने वो जी जी मतलब ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर हॉस्टल ऊपर है, बच्चा तो सारा ऊपर है, सेकेंड ईयर हॉस्टल नीचे है बॉयज़ का, हाँ गर्ल्स का हमारा सिक्योरिटी रीजन से एक ही हॉस्टल है, एक हॉस्टल का मतलब ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका एक मेन गेट है, तो वो एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का कारण यही है क्योंकि गर्ल्स का जैसे एक गेट आ गया तो उसमें हम भी अलाउड, जेंट्स कोई भी अलाउड नहीं होता है उसमें, ओनली गर्ल्स, जैसे बच्चे के मम्मा, बच्ची की सिस्टर, ठीक है, वो भी अंदर बच्चे से मिल नहीं सकते हैं, अंदर ही गेस्ट रूम बने हैं, अंदर ही आपका फास्ट फूड शॉप्स हैं, स्टेशनरी की शॉप्स हैं, ठीक है, अच्छा ये टोटल अंदर फैसिलिटी, हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग है, सारी अंदर अंदर बिल्डिंग है, तीन चार बिल्डिंग है अंदर अंदर है, वो सिक्योरिटी रीजन से है, बाकी ऐसा नहीं है, पूरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है आप देख सकते हैं एक बाउंड्री वॉल लगी हुई है पूरी यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि गर्ल्स को हम एक बॉन्ड कर देते हैं जी कि जी आप की मेन गेट है तो आप उसके अंदर रहें, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप पूरे कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, सारे घूम सिक्योरिटी सिक्योरिटी हाँ आपको प्रॉपर प्रॉपर में है, प्रोवाइड दी जाती प्रोवाइड दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी गर्ल्स भी और बॉयज़ भी आराम से पूरे कैंपस में घूमे होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका ऐसा कम, हाँ जैसे अंधेरा हो जाता है, अंधेरा जैसे मतलब 7-8 अंधेरा हो जाता है तो आप वो खुद भी समझ सकते हैं सिक्योरिटी रीजन से, तो हम किस किस को देखेंगे, किस किस ढूंढेंगे, ठीक है, ठीक है सर तो अंधेरा होने के कारण तो फिर उनको जो अपना गेट है उसके अंदर वो गर्ल्स चली जाती हैं, बॉयज़ भी अपने चले जाते हैं, बाकी कैंपस में ये जहाँ मर्जी घूम सकते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर थैंक फॉर यू दिस थैंक यू सो इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जय श्री राम। तो दोस्तों आपको सर की बातें अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगी होगी, तो बाकी अगर कोई भी इंक्वायरी होगी मैं सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, बाकी यूनिवर्सिटी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में जरूर होगा, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम। जय श्री